हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ पुनीत अग्रवाल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, यूजिंग मेल मर्ज। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं चैप्टर 4, यूजिंग मेल मर्ज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेल को मर्ज करना, दैट मीन कि हम जो भी लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट में, उन सभी को मर्ज करना यानी जोड़ना। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। मेल मर्ज फीचर्स इन वर्ड 2016, क्रिएटिंग रेसिपिएंट लिस्ट एंड इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स, क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, व्यूइंग द मर्ज डाटा एंड प्रिंटिंग द लेटर्स। वर्ड 2016 में मेल मर्ज के फीचर को आप यूज़ करेंगे। रेसिपिएंट लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं तो हम देखेंगे इसमें, और मर्ज फील्ड को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं हम, डाटा मर्ज करने के साथ उसको देखना, व्यूइंग मीन देखना, और लेटर्स को प्रिंट करना। इन बिजनेस एज वेल एज ऑफिशियल मैटर्स वी ऑफन नीड टू सेंड लेटर्स विद सिमिलर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात करें बिजनेस की, ऑफिशियल मैटर्स की, हमें क्या जरूरत होती है कि लेटर्स को सेंड करना होता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल को सेम कंटेंट्स के साथ में। The letters require the name and address of each recipient to be printed on the top. अब हमें करना क्या होता है कि जो letters हमने type किए हैं, जो letter हमने type कर चुके हैं, उसमें name और address लिखना होता है हमें हर एक recipient का top side में, जो कि print होता है। हम देखते हैं कि letter पर जो भी कोई लेटर होता है तो उस पर नेम एड्रेस रेसिपिएंट का लिखा हुआ होता है ऊपर टॉप साइड में। सो चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम बिकम्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो जो भी एड्रेस या नेम हम चेंज करते हैं लेटर में डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए, और जो कि टाइम भी वेस्ट होता है और हमें काफ़ी एफर्ट करना होता है उसके लिए। मेल मर्ज फीचर ऑफ वर्ड 2016 इज़ यूज टू कंबाइन अ डाटा सोर्स। वर्ड 2016 का जो मेल मर्ज फीचर है, इसको हम यूज़ करते हैं डाटा सोर्स को कंबाइन कराने के लिए। आगे हम देखेंगे डाटा सोर्स के बारे में, क्या होता है डाटा सोर्स। Which contains all the addresses with the main document. यानी डाटा सोर्स जो होता है वो मेन डॉक्यूमेंट के साथ में एड्रेसेस को रखता है। इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर्स एट मल्टीपल एड्रेसेस। यानी कि ये जो लेटर्स को सेंड करने का जो प्रोसीजर है मल्टीपल एड्रेसेस पर, ये हमारे टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। आगे देखते हैं डाटा सोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डाटा सोर्स क्या होता है, अभी देखेंगे, तो ये वही टॉपिक है। डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट। डाटा सोर्स जो होता है वो मेलिंग लिस्ट की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा। अगर हम बात करें तो उसमें फील्ड नेम्स होते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर। आप देख रहे हैं एक टेबल बनी हुई है स्क्रीन पर, इस टेबल में कुछ फील्ड नेम्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसमें फील्ड नेम कोई अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, और चाहें अगर आप अलग से कोई फील्ड नेम ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड किया जा सकता है। The data is organized in tabular form along with the field names. Data को tabular form में organize किया जाता है field names के साथ में।
द डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स की अगर हम बात करें तो ये मेन डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ होता है, सो दैट इट्स फील्ड नेम्स कैन बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट, जिससे कि इसके जो फील्ड नेम्स हैं उन्हें हम मेन डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। एंड इट बिकम्स ईजी टू मर्ज एड्रेसेस विद द मेन डॉक्यूमेंट। और इससे क्या होता है कि मेन डॉक्यूमेंट के साथ में एड्रेसेस को मर्ज करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टेबल में जहाँ लिखा हुआ है नेम, उसके नीचे लिखे हुए हैं जैसे कबीर, रिधिमा, अनिका, मानस, ये सभी नेम्स हैं, रेसिपिएंट्स नेम्स। इनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं इनके नीचे, इसी तरह से सिटीज़ लिखी हुई हैं और पिन कोड और टेलीफोन नंबर, ये सभी इसमें लिखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, मेलिंग लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास रेसिपिएंट्स होते हैं उन सभी को सेम लेटर को सेंड कराने के लिए, डिफरेंट पीपल्स के लिए। अब हम बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट की। जैसा कि अभी मैंने बताया, द डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट, कि डाटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट के साथ में एसोसिएट होता है। तो मेन डॉक्यूमेंट होता क्या है, आपने समझा डाटा सोर्स, अब देखते हैं मेन डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट्स। मेन डॉक्यूमेंट का मीन है कि मेन डॉक्यूमेंट वो टेक्स्ट रखता है जो कि हम रेसिपिएंट्स को सेंड करना चाहते हैं। मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लेटर टाइप करते हैं, जो कंटेंट होता है हमारा, वो सब उसमें सेव होता है जो हम अपने रेसिपिएंट्स को सेंड करना चाहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मर्ज फील्ड। हम देखते हैं अब मर्ज फील्ड के बारे में। इट इज अ डाटा आइटम सच एज नेम, एड्रेस, सिटी, पिन एटसेट्रा। जैसा कि मैंने बताया कि नेम, एड्रेस, सिटी, पिन ये फील्ड नेम्स हैं और डाटा आइटम्स भी कहा जाता है इन्हें। विच इंस्ट्रक्ट्स वर्ड 2016 अबाउट वी हैव टू इंसर्ट द डाटा सोर्स नेम्स एड्रेसेस इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम वर्ड 2016 में डाटा सोर्स को इंसर्ट कराते हैं, तो डाटा सोर्स का मीन क्या है कि जो रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना होता है फील्ड के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हैं नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन। तो इनके नीचे जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं ब्लैक कलर में, जैसे कबीर 605 सेक्टर 2 पंचकुला, पिन हो गया इसका 134109, टेलीफोन नंबर इज 2576675 सिमिलरली। तो हम मर्ज फील्ड्स का यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए, यानी डाटा सोर्स में नेम्स, एड्रेसेस और एट्सेट्रा इस इंफॉर्मेशन को फीड कराने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए मेन डॉक्यूमेंट में। मेल मर्ज इन्वॉल्व थ्री बेसिक स्टेप्स। मेल मर्ज के थ्री स्टेप्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग डाटा सोर्स, मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। दैट मीन सबसे पहले हमें मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। मेन डॉक्यूमेंट दैट मीन, जैसा कि अभी मैंने बताया था, मेन डॉक्यूमेंट आप नीचे की साइड देख रहे हैं, इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट्स। ये वो टेक्स्ट है जो हम रेसिपिएंट्स को सेंड करना चाहते हैं, यानी कि हम इसमें अपना लेटर या कंटेंट कोई भी टाइप कर सकते हैं। और स्पेसिफाइंग डाटा सोर्स, तो डाटा सोर्स क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है, डाटा सोर्स के लिए मेलिंग लिस्ट है, आपको ये सब रेडी करना होगा। दैट मीन कि जितने भी रेसिपिएंट्स को आप रिकॉर्ड सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी इसमें। मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर देन, आप देख रहे हैं कि जो फिगर 4.1 दिया हुआ है इसमें, सेलेक्टिंग द मेलिंग टैब, यहाँ पर मेलिंग टैब में जाकर आपको मेल मर्ज के सारे फीचर्स मिलते हैं और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं इनके स्टेप्स को कि हम किस तरह से इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो हमें कंप्यूटर में इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन करना होगा और उसके बाद मेलिंग टैब में जा करके हम मेल मर्ज के जो फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उन्हें यूज़ करते हुए हम मर्ज करते हैं डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट से। सो स्टूडेंट्स,
आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं मेल मर्ज के फीचर्स को कंप्यूटर में. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. Stay safe, stay inside, sanitize your hands. Thank you.